प्रिंस ऑफ पर्शिया, हमारे बचपन का एक ऐसा पार्ट जो हम शायद ही भूल पाएंगे कभी। हाँ, सबने खेला हुआ है ये गेम, सबको पता है ये गेम। जिनको नहीं पता तो भाई कुछ ऐसा मिस कर दिया तुमने अपनी ज़िंदगी में जो कि शायद ही कभी और फिर से नॉस्टैल्जिया मिलेगा। या सैड फॉर देम, जो लोग 2010 के बाद जन्मे हैं उनको तो शायद ही पता होगा इस गेम के बारे में। जो लोग 1990s में जन्मे हुए हैं उनको डेफिनेटली पता होगा। और अगर आपको नहीं पता प्रिंस ऑफ पर्शिया क्या है, चलो आपको मैं ले जाता हूँ एक ऐसी दुनिया में विच इज़ फुल ऑफ मैजिक, एक्शन, ब्रुटैलिटी एंड मास्टरपीस स्टोरी टेलिंग। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया सेंस ऑफ टाइम फर्स्ट रिलीज हुआ था 2003 में, और हमने जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं पहले गेम ये नहीं खेला था। जो लोग 90s के थे बच्चे, उन्होंने शायद से खेला होगा पहले प्रिंस ऑफ पर्शिया सेंस ऑफ टाइम। लेकिन हमारा पहला गेम आई वुड से प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉरियर विदिन था। ये एक ऐसा गेम था जहाँ पर एक प्रिंस था, और प्रिंस का नाम आज तक हमें भी नहीं पता चला। हाँ, प्रिंस अपने किंगडम को लेने के लिए वापस आया, जिसमें आने की वजह से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जहाँ पर एक सेंस ऑफ टाइम का एक चीज था, आवर ग्लास ऑफ टाइम, जहाँ पर सैंड रियल लाइफ में आ जाते हैं, जिसके कारण सब लोग सैंड मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। और हाँ, प्रिंस को बस अपना किंगडम वापस लाना है, तो उनको फाइट कर करके इन सब सैंड मॉन्स्टर को मारकर अपने दुनिया को वापस ले आना है। तो हाँ, इसी प्लॉट के ऊपर ये पूरा गेम बेस्ड है। एंड वी ऑल एन्जॉयड एंड वी ऑल फेल्ट बैड एस प्लेइंग एज अ प्रिंस। भाई, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को ख़त्म करके कौन अपने आप को बैड एस नहीं समझेगा भाई। और इतने क्विक एंड एनोइंग पजल्स हम जब पार करके जाते थे, कितना सेटिस्फाइंग लगता था। और हाँ, 2004 या 2005 में आया था वॉरियर विदिन, और उसका एक ऐसा विलेन हमको नाइटमेयर के ऊपर नाइटमेयर, रात को नींदे उड़ा देता था। या यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द हाका, ऐसा एक मॉन्स्टर जो पीछे पीछे घूमता था। भाई मैं बोल रहा हूँ, जब भी आता था ना दहाका, मेरी फट जाती थी, मैं गेम बंद कर देता। मेरे को दीदी तुम खेल लो, मेरे से नहीं होता। मेरे दीदी खेलती थी मेरे साथ एक साथ, तो जब भी दहाका आता मेरे को आप तुम खेलो, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल का होऊंगा बस। लेकिन हाँ, इट वॉज़ अ ग्रेट टाइम, वी ऑल लव्ड प्रिंस ऑफ पर्शिया। हाँ, वो एनोइंग मिशंस भी थे, वो एनोइंग जब भी जम कर आपको मतलब उल्टा सीधा जगह में गिर जाते हो। द बिल्डिंग वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट वी ऑल एन्जॉयड दैट शिट। एंड हाँ, उसके क्या ही बोलूँ, 2008 में प्रिंस ऑफ पर्शिया रिबूट आया था। एंड आई एम टेलिंग यू ब्रो, दैट गेम इज़ माई चाइल्ड हुड। मैंने इस गेम को शायद से 14 या 16 बार ख़त्म किया है। आई एम टेलिंग यू, इतनी बार खेला है मैंने ये गेम। तब हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता था। एक गेम मेरे पापा ले आए थे, ये प्रिंस ऑफ पर्शिया जब ले आया था, तो इट वॉज सो गुड दैट मतलब मैं दिन रात यही खेलता था। बहुत गालियाँ पड़े भाई, दिन के घंटों यही खेलता था। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रिबूट में, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ग्राफिक्स पहले तो ज़्यादा अच्छे थे पहले वालों से, और मतलब फनी था स्टोरी एंड एवरीथिंग लुक ब्यूटिफुल इन दिस गेम। लाइक आज भी अगर मैं देखूँ, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, दैट गेम इज ट्रूली ब्यूटिफुल। और हाँ, इतने मज़े, मैं 10 बार तो एटलीस्ट खेला होऊंगा ये गेम, कंप्लीट किया होऊंगा, और खेला तो ज़रूर उससे ज़्यादा होऊंगा। हाँ, ऐसा मुकाम आ गया था लेकिन पापा को या मम्मी को मेरे को कंप्यूटर बंद करना पड़ गया था, इतना खेलता था मैं ये गेम। सो हाँ, यू मे अंडरस्टैंड हाउ गुड इट वॉज फॉर मी एंड इट्स माई चाइल्डहुड ब्रो। अगर तुमने नहीं खेला है उस टाइम पे, आज के टाइम पे इतने गेम्स हैं, शायद से तुम नहीं खेलोगे ये पुराना गेम, लेकिन आई एम टेलिंग यू ब्रो, अगर तुमने खेला हुआ है तो ब्रो यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉस्टैल्जिक चाइल्डहुड। आई एम टेलिंग यू, स्कूल ख़त्म होने के बाद जब भी घर आते थे, बस आराम से 2-3 बजे जब भी घर आता है, खा लेते पूरा अपना मील, लंच करके आराम से बैठते थे कंप्यूटर पे और चालू करते थे प्रिंस ऑफ पर्शिया, आराम से खेल लेते 6-7 बजे तक। क्या मज़ेदार दिन थे वो, कोई रोकने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। एक ऐसा टाइम था, एक ज़माना था जिसमें हम ट्रूली एंजॉय करते थे गेमिंग।
आजकल गेमिंग ऐसी चीज बन चुकी है लोगों को, अब भी तो दे लाइक नीट पिकिंग एवरीथिंग लाइक अ गेम लाइक आर डी आर टू, पीपल लाइक नीट पिकिंग ऑन डैट एज वेल। इतना अच्छा गेम है लेकिन फिर भी लोगों को बोलना है कि इसमें ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन गेम्स एन्जॉय तो हम करते थे, हमारे लिए प्रिंस ऑफ पर्शिया गॉड ऑफ गेमिंग था उस टाइम पे। कितने घंटों खेले, तुम जाके पूछ लो कोई भी 90s किड को प्रिंस ऑफ पर्शिया क्या था, वो तुमको अच्छे से बताएगा क्या था वो गेम। हाँ सभी ने खेला हुआ है ये गेम इंडिया में एटलीस्ट। हाँ शायद से तुमने भी खेला हुआ होगा इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। हाँ ये गेम एक ऐसा चीज़ था हमारे लिए बचपन का, हम बस सोचते थे मैं भी प्रिंस बनूंगा। कितने ड्राइंग्स किए मैंने, एक स्कूल कंपटीशन था, हर कंपटीशन में मतलब ऐसा बड़ा कंपटीशन नहीं, बस ऐसे क्लास में हुआ था, बोलो तुम जो भी ड्रॉ करना करो, तो मैंने प्रिंस ड्रॉ किया था एक्चुअली, एंड आई एक्चुअली गॉट लाइक द प्रेज फॉर दैट। कुछ प्राइज वाइज नहीं था, बस मेरे को प्रेज दिया था, अच्छा लगा था। तो इतना जोश था उस गेम के लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड भाई। हाँ ऐसे गेम्स नहीं आते, और शायद ही उसका जो रीमेक बनाने का फैसला था वो अब शायद से नहीं होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, यू नो व्हाई। पुणे में बनना चाहिए था उसके, मतलब ड्रॉप कर दिया अब तो यूबीसॉफ्ट, क्या ही कर रहा है मेरे को नहीं पता भाई। जो भी हो, हम शायद से नहीं देख पाएंगे प्रिंस ऑफ पर्शिया एनी टाइम सून, अगर आसपास आता है तो अच्छी बात है। आई डोंट नो अभी के टाइम में प्रिंस ऑफ पर्शिया कैसा चलेगा, लेकिन आई जस्ट होप इट्स गुड। और हाँ ठीक है देखते हैं, वी आर ऑलवेज होपफुल। प्रिंस ऑफ पर्शिया को तो Assassin's Creed खा गया, Assassin's Creed इज अ ग्रेट ग्रेट गेम इन इटसेल्फ, बट प्रिंस ऑफ पर्शिया इज अ डिफरेंट इमोशन ब्रो। तो हाँ हमको चाहिए प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो हाँ अगर रीबूट बनाए रीमेक बनाए तो अच्छे से बनाओ भाई, हमको चाहिए एक अच्छा गेम, बस वही बात है। नॉस्टैल्जिया ले आओ भाई, लीनियर गेम्स वी नीड इट, ओपन वर्ल्ड हो गया बहुत, लोगों को ओपन वर्ल्ड नहीं चाहिए अब, सोरा लीनियर गेम्स ले आओ। ठीक है तो हाँ इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। प्रिंस ऑफ पर्शिया आवर चाइल्डहुड इज एक्चुअली गॉन बट इट विल स्टिल रिमेन इन आवर हार्ट्स।